नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? खूब मौज मस्ती चल रही होगी, है ना? बच्चों, खेलना कूदना अच्छी बात है, पर साथ ही पढ़ाई करना भी उतना ही जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान दे रहे होंगे। और जो भी आपको ऑनलाइन कक्षाओं या वीडियोस के जरिए पढ़ाया जा रहा है, वह आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। बच्चों, छठी कक्षा में आपने कुछ बड़े बड़े राजाओं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त आदि के बारे में पढ़ा था, कुछ याद आया? आज सातवीं कक्षा के इतिहास के दूसरे अध्याय नए राजा और उनके राज्य में भी हम कुछ और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये नए नए राजा कौन थे, ये राजा कैसे बने, इनका शासन कैसे चलता था, यानी ये किस प्रकार राज करते थे। तो आओ शुरू करते हैं और देखते हैं कि सातवीं से बारहवीं शताब्दियों के बीच इस उपमहाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख राजवंश उभर कर आए और उनका राज्य किस क्षेत्र में था। यह हमारे उपमहाद्वीप का मानचित्र है। बच्चों, जैसे आज हम सिर्फ भारत की बात करते हैं, पहले भारत एक अलग देश नहीं था, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का एक हिस्सा था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और कुछ तिब्बत का इलाका भी शामिल था। सबसे पहले उत्तरी इलाके में जो प्रमुख राजवंश था, वह था चाहमान वंश, जिसे बाद में चौहान वंश के नाम से जाना जाने लगा। चौहान दिल्ली और अजमेर के आसपास राज करते थे। पृथ्वीराज चौहान इस वंश के प्रमुख राजा थे। मध्य भारत के इलाके में थे गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी क्षेत्र में थे पाल, दक्कन में थे राष्ट्रकूट, जिन्होंने मध्य और उत्तरी भारत पर भी अपना दबदबा बनाया हुआ था। दक्षिण पूर्वी इलाके में थे चालुक्य और दक्षिण भारत में थे चोल, चेर और पांड्यन वंश। बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने पिछले साल जिन राजाओं के बारे में पढ़ा था, उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए थे और वह अकेले ही सत्ता चलाते थे, यानी सारे महत्वपूर्ण फैसले वे खुद लेते थे। पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो सातवीं से बारहवीं सदी के राजाओं के पास बहुत बड़े बड़े क्षेत्र नहीं थे। इसका कारण यह था कि इस समय जो नए नए राजवंश बने, वो पहले बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार थे। राजा अपने राज्य को संभालने के लिए जमीन को कुछ हिस्सों में बांटकर उन्हें योद्धा सरदारों और भूस्वामियों को देते थे, जिन्हें सामंत कहा जाता था। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे अपने राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और लड़ाई के समय उन्हें सहायता दें। धीरे धीरे ये सामंत शक्तिशाली होने लगे और अपने आप को महामंडलेश्वर और महासामंत कहने लगे और कभी कभी वह राजा से अलग होने का दावा भी करते थे। बच्चों, इस तरह का एक उदाहरण था राष्ट्रकूटों का। वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के सामंत थे, पर आठवीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूटों के प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर खुद को राजा घोषित कर दिया। क्या आपको याद है, छठी कक्षा में आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, जिसके अनुसार
यह माना जाता था कि क्षत्रिय ही राजा हो सकता है। अब क्योंकि दंती दुर्ग क्षत्रिय नहीं था, उसने ब्राह्मणों की सहायता से हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। जैसे बच्चों हवन पूजा पाठ आदि करते हैं ना, वैसे यह माना जाता था कि जो इस अनुष्ठान को करेगा वह क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय बन जाएगा। राष्ट्रकूटों के अलावा और भी कई उदाहरण थे जिसमें कुछ ताकतवर परिवारों के लोगों ने अपनी क्षत्रिय न होते हुए भी अपनी ताकत के बल पर राज्य स्थापित किए। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मन ने कर्नाटक में और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ने राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए। ये दोनों ही ब्राह्मण थे, पर इसके बावजूद उन्होंने पूजा पाठ का काम छोड़कर शस्त्र उठा लिए और सफलतापूर्वक राज किया। उस समय के कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए भारी भरकम उपाधियां ले ली। वे अपने आप को महाराजाधिराजा यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी तीनों लोकों का स्वामी कहलवाते थे। बच्चों, हिंदू धर्म में माना जाता है कि सारी सृष्टि तीन लोकों में बटी हुई है। ये तीन लोक हैं पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। ऐसा करके ये राजा यह दिखाना चाहते थे कि वे सबसे शक्तिशाली थे, पर वास्तव में ऐसा नहीं था बच्चों, ये सब दिखावा था। असल में यह राजा अपनी सत्ता यानी सरकार को अपने ढंग से अपनी मर्जी से नहीं चला सकते थे। उन्हें अपनी सत्ता ब्राह्मणों, सामंतों, किसान और व्यापारी संगठनों के साथ बांटनी पड़ती थी ताकि उनका राज्य अच्छे से चल सके। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि राज्य चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है और यही वे लोग थे जिनसे संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। किसानों, पशुपालकों, कारीगरों को अपने उत्पादों का एक हिस्सा देने के लिए मनाया जाता था, यानी किसान अपनी फसल का हिस्सा देते थे, कारीगर राजा के लिए चीजें बनाते थे। कभी कभी इस हिस्से को लगान कहकर भी वसूला जाता था, यानी उन्हें इसे देने के लिए मजबूर किया जाता था, क्योंकि राजा यह दावा करता था कि जिस जगह या जमीन पर वह रहते हैं वह उसका स्वामी यानी मालिक है। व्यापारियों से भी उनकी आमदनी का एक हिस्सा लिया जाता था। बच्चों, तमिलनाडु में राज करने वाले चोल वंश में 400 से भी ज्यादा किस्म के कर लगाए जाते थे, जिनमें सबसे ज्यादा जिसका जिक्र आता है वह है वेटी, जिसमें नगद की बजाय जबरदस्ती काम कराया जाता था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कर था कदमाई यानी भूमि कर। यही नहीं, मकान पर घास फूस की छत डालने पर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर, पारिवारिक संपत्ति हासिल करने पर और ऐसी बहुत सी चीजों पर कर देना पड़ता था। बच्चों, आजकल भी हम सरकार को कर यानी टैक्स देते हैं ना, और बदले में सरकार हमें कई सेवाएं प्रदान करती है, बिल्कुल वैसे ही। पर फर्क सिर्फ इतना है कि हम कर नगद देते हैं और उस समय राजा अनाज, जानवर, चीजें, सेवाएं इत्यादि लेते थे और इन संसाधनों से ही चलता था राज्य का सारा काम। इसके अलावा मंदिरों और किलों के निर्माण के लिए भी इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल होता था। यही नहीं, राजा युद्ध लड़ने के लिए भी इन्हें प्रयोग करता था, क्योंकि युद्ध में जीतने के बाद जो लूट का धन, जमीन आदि मिलता था उससे भी राज्य को फायदा होता था। अब यह संसाधन क्या राजा खुद इकट्ठा करता होगा? नहीं, ऐसा करने के लिए आम तौर पर कुछ ऐसे परिवारों को नियुक्त किया जाता था जिनका कुछ रुतबा हो, यानी लोग जिनकी बात माने, और यह नियुक्ति वंशानुगत होती थी। यानी अगर एक परिवार में पिता को
को यह काम दिया गया है तो उसके बाद उसका पुत्र यह करेगा और उसके बाद उसका पुत्र। सेना में भी ऐसा ही होता था। सेना में भी ऐसे परिवारों को ही चुना जाता था जो ताकतवर थे, प्रभावशाली थे और अक्सर ये लोग राजा के संबंधी ही होते थे। बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रशस्तियों के बारे में। प्रशस्तियां ऐसे ब्यौरे होते हैं जिनमें राजा की उपलब्धियों और उनके द्वारा किए गए कामों का वर्णन होता है, पर जरूरी नहीं कि प्रशस्तियों में लिखा गया ब्यौरा सच ही हो, क्योंकि अक्सर प्रशस्तियां राजा खुद उन ब्राह्मणों से लिखवाते थे जो उनके राज्य के काम में उनकी मदद करते थे। पर यह प्रशस्तियां हमें यह जरूर बताती हैं कि राजा खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। उदाहरण के लिए, ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिली एक प्रशस्ति में प्रतिहार के राजा नागभट्ट को एक शूरवीर योद्धा के रूप में दर्शाया गया है जिसने कई राजाओं को हरा दिया। राजा उन ब्राह्मणों को इनाम के तौर पर जमीन के टुकड़े दिया करते थे जिन्हें भूमि अनुदान कहा जाता था। इन्हें ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था ताकि यह समय के साथ खराब ना हो। ताम्र पत्र होता है बच्चों, तांबे के पत्रे, और इन्हें भूमि पाने वाले को दिया जाता था। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारे ताम्र पत्र दिखाई दे रहे हैं जिनमें 9वीं सदी में एक राजा द्वारा दिए गए भूमि अनुदानों के बारे में लिखा है। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखे हुए हैं। जिन कड़ियों से यह पत्र जुड़े हैं उन पर राजा की मोहर लगी है। यह मोहर इसलिए लगाई जाती थी ताकि पता लग सके कि ये पत्र असली हैं और किसी ने खुद से नहीं बना लिए हैं। बच्चों, भूमि अनुदान में सिर्फ भूमि ही नहीं दी जाती थी, उसके साथ साथ उस भूमि पर बसे गांव, वहां लगे फलदार वृक्ष, पानी के कुएं, बागीचे, खुली जगह, चरागाह, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, तालाब आदि भी भूमि पाने वाले के हो जाते थे और वह वहां से कर वसूली कर सकता था। बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 12वीं शताब्दी में लिखे गए एक असाधारण संस्कृत काव्य के बारे में जिसका नाम था राजतरंगिणी। इसमें कलहण नाम के रचनाकार ने कश्मीर पर राज करने वाले राजाओं का इतिहास लिखा है, पर यह काव्य एक अलग तरह का काव्य है। आइए जाने कैसे। बच्चों, इससे पहले हमने प्रशस्तियों की बात की थी जिन्हें राजा के आदेश पर लिखा जाता था और उनमें हमेशा सिर्फ राजा की बढ़ाई की गई होती थी। पर इस काव्य को लिखने से पहले कलहण ने कई तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। उसने शिलालेखों, दस्तावेजों और खुद लोगों से जानकारी प्राप्त की और उस जानकारी के आधार पर इस काव्य को लिखा। इसमें राजाओं की सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि उनकी नीतियों या कामों की निंदा भी की गई है। बच्चों, हमने मानचित्र में देखा था कि हर राजा का एक खास क्षेत्र था, पर ये राजा दूसरे क्षेत्रों पर भी कब्जा करने की लगातार कोशिश करते रहते थे। उदाहरण के लिए, गंगा घाटी में कन्नौज एक ऐसा नगर था जिसके लिए 3 राजवंश, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल कई वर्षों तक आपस में लड़ते रहे। इसका कारण यह था कि यह नगर व्यापारिक मार्ग पर स्थित था और हर तरह से संपन्न क्षेत्र था। यह कभी राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी हुआ करता था और इसलिए सभी राजा इस क्षेत्र पर नियंत्रण करके अपने आप को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। और क्योंकि इस लंबी चलने वाली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहास में इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आपने देखा कि किस तरह राजा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए युद्ध करते थे।
इसके अलावा वह बड़े बड़े मंदिर बनवाकर भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते थे और इसलिए जब लड़ाई होती थी तो मंदिरों को भी राजा अपना निशाना बनाते थे। मंदिरों को तोड़ दिया जाता था और वहां से सारा धन लूट लिया जाता था। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसा ही करता था। उसने 997 से 1030 शताब्दी तक राज किया। उसने इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर 17 बार हमला किया और मंदिरों को अपना निशाना बनाया। इन मंदिरों में बहुत धन दौलत था। गुजरात का मशहूर सोमनाथ मंदिर भी इनमें शामिल था। वह इन मंदिरों से धन और जवाहरात लूटकर ले गया और उस धन से उसने गजनी में अपनी आलीशान राजधानी बनाई। पर सुल्तान महमूद को सिर्फ धन दौलत से मतलब नहीं था बच्चों, वह इस उपमहाद्वीप के लोगों के बारे में भी जानना चाहता था और इसलिए उसने अलबेरूनी नाम के एक विद्वान को यह काम सौंपा। अलबेरूनी ने कई संस्कृत के विद्वानों से इस बारे में बातचीत की और अरबी में एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब अल हिंद, और यह किताब आज भी उस समय के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे हमें उस समय के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। उस समय और भी बहुत सारे राजा थे जो युद्ध करते थे, जिनमें चाहमान भी थे, जिन्हें बाद में चौहान कहा जाने लगा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर राज करते थे। वह पूर्व और पश्चिम में अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर ली, यानी उनसे युद्ध किए। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था पृथ्वीराज चौहान, जिसने 1191 में अफगान के सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन अगले ही साल खुद मोहम्मद गौरी से हार गया। बच्चों, अब हम इस अध्याय से जुड़े कुछ प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले है सही मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ वंशों के नाम दिए गए हैं और उनके आगे उनके क्षेत्र यानी इलाके दिए गए हैं। आपको राजवंशों के नामों को उनके सही क्षेत्र से मिलाना है। सबसे पहले है गुर्जर प्रतिहार, उन्हें मिलाया जाएगा गुजरात और राजस्थान से। अब हम जान गए हैं कि राष्ट्रकूट थे पश्चिमी दक्कन में, तो राष्ट्रकूट को मिलाया जाएगा पश्चिमी दक्कन से। पाल वंश था बंगाल में और चोल वंश को हम मिलाएंगे तमिलनाडु से। अब आइए कुछ प्रश्न देखते हैं और उनके उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, दक्कन के राष्ट्रकूट किन के सामंत थे? और आपके पास विकल्प हैं कर्नाटक के चालुक्यों के, चोलों के या केरल के चेर शासकों के। और इसका सही उत्तर है कर्नाटक के चालुक्यों के। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, कल्हण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? और आपके विकल्प हैं कश्मीर के राजाओं का, दक्षिण के राजाओं का, दक्कन के राजाओं का। और इसका उत्तर है कश्मीर के राजाओं का। अब देखिए अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस जगह के नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे? आपके पास विकल्प हैं दिल्ली, अजमेर, राजस्थान और कन्नौज। और इसका सही उत्तर है कन्नौज। और अब अगला प्रश्न,
सुल्तान महमूद गजनी ने किस विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा? विकल्प हैं अलबेरूनी को, हरिचंद्र को, संस्कृत विद्वानों को या मोहम्मद गौरी को, और इसका उत्तर है अलबेरूनी को। और अब आखिरी प्रश्न, किताबल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? और विकल्प हैं संस्कृत, हिंदी, तमिल या अरबी, और इसका सही उत्तर है अरबी। तो बच्चों, यह था 7वीं से 12वीं सदी के कुछ राजवंशों का इतिहास। आपने देखा कि किस तरह बड़े बड़े योद्धा सरदार अपनी ताकत बढ़ा लेते थे और राजा से अलग होकर खुद को राजा घोषित कर देते थे, और वे लगातार युद्ध करके अपना क्षेत्र बढ़ाने की भी कोशिश करते रहते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखकर अध्याय का यह भाग अच्छे से समझ आ गया होगा। इस अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे अपने अगले वीडियो में और पढ़ेंगे उस समय के एक प्रसिद्ध राजवंश चोल वंश के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।